प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे इस्लामिक मुल्क भी भगवद गीता और रामायण को पढ़ने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आज उमरा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं। पार्ट है आयुर्वेद जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता। बहुत ही लंबे अरसे के बाद हमारे साथ वेनर नॉलनी नाज़िया इलाही खान मैम मौजूद है। बहुत 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 शुक्रिया मैम हमारे चैनल पर आकर चार चांद लगाती हैं आप हमेशा से, तो हम मेरी और मेरी YouTube फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इतनी तारीफ करो कि ना तो पाकिस्तान से लेकर के भारत तक मुसलमान लौंडे तुमको गालियां परोसेंगे। कोई बात नहीं, आदत हो गई है। अच्छा, मुसलमान लड़कियां तो है ना, अब बड़ी यूज्ड टू हो चुकी है कि हम अच्छा करेंगे तो गालियां तो खाएंगे ही। अब मैं ये चेंजेस जो देख रही हूँ ना मुस्लिम लड़कियों में, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है कि अब मुस्लिम लड़कियों ने समझ लिया है कि भाई हम पढ़ाई करेंगे तो भी गाली खाएंगे, हम कुछ बनेंगे तो भी गाली खाएंगे, हम कुछ क्रिएट करेंगे तो भी गाली खाएंगे, हम कुछ अच्छा बोलेंगे तो भी गाली खाएंगे, गाली तो खाना है। नहीं, हम उनके मुताबिक भी रहेंगे तब भी गाली खाएंगे, तो भाई उनके मुताबिक रहते खा लिया तो फायदा, अपने मुताबिक कर लो, खानी तो गाली है। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं मैम। टॉपिक जो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव है क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी से इस्लाम फैला हुआ है और अब वहां पर ऐसी अगर चीजें लागू की जाती हैं, अलाउ की जाती हैं, तो बहुत ही हाइप क्रिएट हो जाती है दुनिया भर में, स्पेशली पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। तो अभी खबर आती है कि जो सऊदी है, सऊदी अरेबिया के अंदर टेक्स्ट बुक अलाउ की जा रही है स्कूल वगैरह के अंदर रामायण और गीता की, अब स्पेशली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी मुमालिक के अंदर भी, क्या वजूहात लग रही है आपको? देखिए, इसको बहुत शैतानी दिमाग से नहीं समझना चाहिए आना, पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवद गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। आप जब वेदा पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज की बातें पता चलेंगी, जैसे जीरो का इन्वेंट किसने किया, स्क्वायर फिट का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज के पैरामीटर को बताने का इन्वेंशन किसने किया, ये जड़ी बूटियों से दवाई का इन्वेंट किसने किया, सब आपको ऋग्वेद में दिखाई देगा। सब आपको ऋग्वेद का ही एक पार्ट है अर्थवेद, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है क्योंकि ऋग्वेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है, तवाफ के वक्त में लड़कियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, हज उमरा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आकर इतने सारे जो मुसलमान, जो हमारे भारत में भी जो मुस्लिम्स हैं, ज्यादातर रेप करते हैं, ज्यादातर मोलेस्टेशन करते हैं, ज्यादातर तलाक देते हैं, ज्यादातर लव जिहाद करते हैं, ज्यादातर गला रेतते हैं, ज्यादातर जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादातर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म की बातें करते हैं,
तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना दिया है, कहीं ना कहीं मर्डरर बना दिया है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया है। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो 11 साल 12 साल की बच्ची से शादी करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के प्रोवोकेशन की बातें कर रहे हैं, वो तो सिविलाइजेशन और सभ्यता की बातें कर रहे हैं। और जो एक अफवाह उड़ाई गई कि मोदी जी बहुत ही कट्टर हिंदू है, तो वही कट्टर हिंदू जब 10.5 साल से चेयर पर बैठा तो हमारे GDP इतने हाइक पर चले गए, हमारा डिफेंस 4th पोजीशन पर चला गया, हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर आने को है, हमारी योजनाएं इतनी पावरफुल रही हैं, मोदी जी के 10 साल 4 महीने में हमारे बायलेटरल और ट्रेड के रिलेशन इतने खूबसूरत हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कट्टर हिंदू को बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड जनता करना आता है, तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ अनब, कि आज भी जब हम इनसाइड द कोर्ट रूम होते हैं तो कोर्ट में आज भी श्रीमद् भगवद गीता की कसम खिलाई जाती है। तो क्यों ना, जब ये बात पता है भारत के लोगों को कि हाँ भाई भगवद गीता पर हाथ रख करके कसम खाने वाला व्यक्ति झूठ नहीं कहेगा, तो क्यों ना उसको सिलेबस की बुक में डाला जाए, क्यों ना उसको अकेडमिक सिलेबस में डाल करके, इंस्टीट्यूशनल सिलेबस में डाल करके लोगों से रूबरू कराया जाए। अब हमारे इस्लाम में दावत इस्लाम होता है ना, इस्लाम का प्रचार किया जाता है ना, और उस दावत इस्लाम में क्या किया जाता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला रेते देंगे, और कुरान इस बात की इजाजत देता है, आराम से देता है कि गला रेतो भैया, और नहीं तो मॉडर्न जजिया लगाओ, जजिया लगाओ जो औरंगजेब ने भी लगाया, अकबर ने भी लगाया, बाबर ने भी लगाया। तो कोई भी बात तो झूठ नहीं है, कोई भी बात तो गलत नहीं है, इन सारी चीजों के तो प्रूफ है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से ये चीज पता चल रही है कि जो लोग जो 3 मिलियन से ऊपर हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, UAE में रह रहे हैं, वो कितने सिविलाइज्ड है, आज तक उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज को नहीं देखा गया है। पर बांग्लादेश से जो मुसलमान जाकर के अरब में रह रहा है, वो जाकर के वहां पर उपद्रव मचा रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पाकिस्तान से जो जाकर के अरब में रह रहा है वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। अफगान से जाकर के जो अरब में रह रहा है वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पर मोर देन 3 मिलियन हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं वो तो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं UAE की गवर्नमेंट को ये चीज फील हो रहा है कि ये जो पढ़ करके अपनी धार्मिक किताबों को आए हैं ये हमें एज अ सिलेबस रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने कहा है कि एक कट्टर हिंदू जो है, मतलब पीएम मोदी की मिसाल दिया है, तो मैंने जहां तक देखा है वो चाहे कट्टर हिंदू हैं लेकिन उनकी ये खूबी भी ये है कि जब जब मैंने स्पीच उनकी ऑलमोस्ट सुनी है, वो जहां मुस्लिम्स भी होते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में उनके उनके मजहब के मुताबिक लेकर चलते हैं। मतलब जैसे अजान हुई तो उन्होंने अपना माइक नीचे कर लिया, मुसलमानों के लिए किया भाई, अगर वो चाहते तो वो अजान के टाइम भी बात कर सकते थे, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदू है ना, उन्हें क्या है लेना देना इन चीजों से। तो दूसरी तरफ उन्होंने इलम की भी बात की कि कुरान पाक में इलम का जिक्र सबसे ज्यादा है, तो इलम हासिल करो, कि काफी चीजें हैं जो कि वो हिंदू होने के साथ साथ मुसलमानों को उनकी ही लैंग्वेज उनके ही मजहब के मुताबिक समझाते हैं। तो ये भी चीज इंस्पायर करती है, मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड के अंदर, के एक कट्टर हिंदू हर चीज को लेकर चल रहा है, और एक PM अगर ऐसा हो तो फिर उसकी जनता तो ऐसी होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने अपनी पर्सनल राय को व्यक्त किया, जहां पे उन्होंने ये कहा जो भी भगवद गीता पढ़ता है वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवद गीता हमें हमेशा ही सही रास्ते पे चलना सिखाती है, और वक्त आने पे अपने धर्म और स्वयं के लिए लड़ना भी सिखाती है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।